हेलो गाइस, तो कैसे हो आप? वेलकम बैक टू माय चैनल एनिमे वर्ल्ड हिंदी। तो आज की इस वीडियो में हम ये जानने वाले हैं कि आखिर ये बोचन के पेरेंट्स है कौन, और क्या हमें बोचन के पेरेंट्स को कभी एनिमे या मांगा में दिखाया गया है। जानना है तो वीडियो को एंड तक देखो। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो शुरुआत करते हैं बोचन के नाम से। आप लोगों में से कई लोगों को लगता होगा कि बोचन के दो नाम है, पर ऐसा नहीं है। बोचन का एक ही नाम है। बो उसका नाम है और सुजुकी उसका सरनेम है। हमें पहले के एपिसोड में ये दिखाया जाता था कि सब लोग बोचन को बोचन के बजाय डायरेक्ट सुजुकी बुलाते थे, जिस वजह से हमें ये लगता था कि बोचन का दूसरा नाम सुजुकी है, पर ऐसा नहीं है। बो उसका नाम है और सुजुकी उसका सरनेम है। और जो चैन वर्ड है ना, वो जापान के हर एक बच्चे में लगाया जाता है नाम के बाद। ये कंपल्सरी तो नहीं है, पर नाम को बढ़िया बनाने के लिए लगाते हैं, जैसे आई चैन, नैनी चैन। गूगल के अनुसार बोचन 5 साल का एक छोटा बच्चा है और उसका बर्थ सितंबर 10, 1992 कासोकाबे में हुआ था। पर बोचन की उम्र अब तक क्यों नहीं बढ़ी, इसके बारे में फिलहाल किसी और वीडियो में बात करेंगे। अगर मैं बोचन के हॉबीज के बारे में बात करूं, तो उसके पास कई सारे हॉबीज है, जैसे यूनिक स्टोन कलेक्ट करना और अपने नाक से जिमनास्टिक दिखाना। और वो फ्यूचर में बहुत ही बड़ा इन्वेंटर बनता है, जैसे कि आप लोगों ने देखा ही होगा शिनचैन विलन और दुल्हन वाली मूवी में। अगर हम बोचन की फैमिली की बात करें, तो बोचन के फैमिली में भी शिनचैन की तरह 4 लोग हैं, जिसमें बोचन के मदर एंड फादर और उसकी एक सिस्टर। बोचन के मदर एंड फादर का तो नाम नहीं दिया हुआ है, पर उसकी सिस्टर का नाम दिया हुआ है, जो कि है मिजू सुजुकी। और आप बोचन की सिस्टर की इमेज भी देख सकते हो, पर वेट, ये इमेज फैन मेड है। अगर हम बोचन के फादर के बारे में बात करें, ना ही एनिमे, ना ही मांगा, ना ही किसी तरीके के वेबसाइट पे उनके बारे में बताया गया है। तो अब हम बात करते हैं बोचन के मदर के बारे में। और आप लोगों ने ये इमेज कई सारे जगहों पर देखा होगा, और आप लोगों को ये बताया जाता होगा कि ये है बोचन की मदर, पर हकीकत कुछ और है। हकीकत ये है, ये जो इमेज है, ये इमेज सिर्फ और सिर्फ शिनचैन और उसके दोस्त लोग इमेजिन कर रहे थे अपने माइंड पे कि बोचन की मम्मी हम अगर होती, मतलब अगर बोचन की मम्मी दिखाई जाती तो कैसी होती। तो यही है सिर्फ इसका सच। अगर आपको ये वीडियो देखने में मजा आया हो, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए। ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।